बच्चों, कक्षा सातवीं सामान्य विज्ञान लेसन नंबर टू, वनस्पति रचना और कार्य। बच्चों, आज हम लेसन नंबर टू की शुरुआत करेंगे। आप सभी ने वनस्पतियां कई प्रकार की देखी होगी। इन सभी वनस्पतियों के अलग अलग अंग भी आप लोगों को पता है ना। विभिन्न वनस्पतियों की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, इन सभी की अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम वनस्पति की पहचान करते हैं। तो अब हम वनस्पति के इन्हीं सभी अंगों की थोड़ी सी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जड़ से। जड़, जिसे इंग्लिश में रूट कहा जाता है। बच्चों, आप लोगों को पता है, जब भी कोई वनस्पति को हम लोगों को लगाना होता है तो सबसे पहले हम उसके बीज को जमीन के अंदर बोते हैं। जब हम बीज जमीन के अंदर लगाते हैं तो वही बीज, उस बीज के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, जिससे सबसे पहले उसमें से जड़ें निकलती है और बाद में उसमें से तना भी बाहर आता है। तो ऐसे ही हम, यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पर एक बीज दिखाई दे रहा है। जब भी हम कोई बीज को ज़मीन के नीचे लगाते हैं तो बीज से दो अलग अलग भाग दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर कहा जाता है, वैसे ही जमीन के विपरीत दिशा में बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहा जाता है। मूलांकुर, जिसको इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं, और प्रांकुर, जिसको इंग्लिश में प्लूमोल बोलते हैं। रेडिकल ये जो है, ये जमीन के नीचे जाता है, जिससे आगे चलकर रूट्स बनती है, जमीन के नीचे की जड़ें बनती है। और वैसे ही प्रांकुर या जो प्लूमोल, ये जब जमीन के ऊपरी दिशा में बढ़ता है तो इसी से आगे जाकर तना, तने से पत्तियाँ, पत्तियों से फूल, फल, ये सभी भाग इस प्रांकुर के ऊपर ही बनते हैं। अभी हम सबसे पहले मूलांकुर की बात करेंगे कि जमीन के नीचे ये जो मूलांकुर जाता है तो मूलांकुर में किस प्रकार से वृद्धि होती है। मूलांकुर से ही जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है। जड़ ये जमीन के सबसे निचला वाला भाग होता है। जड़ का जमीन के समीप वाला भाग मोटा होता है तथा यह भाग संकरा होकर नुकीला हो जाता है। वनस्पतियों को आधार देने वाले, जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को जड़ कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ें जमीन के नीचे की ओर बढ़ते जाती है और उनसे कुछ उपजड़ें भी निकलती है, वे तिरछी जमीन में फैलती है। जड़ें वनस्पति को आधार देती है। इस प्रकार की जड़ें जो जमीन में सीधी भी जा रही है, जमीन के अंदर भी जा रही है और जमीन में दोनों साइड से इसमें उपजड़ें भी बढ़ रही है, इसे मूसला जड़ें कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टैप रूट बोला जाता है। टैप रूट ये जमीन के चारों दिशाओं में नीचे से फैलती है। अच्छा, ये जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैल रही है? ये जो जड़ें हैं, इनका मेन काम है जमीन के नीचे से पानी, लवण, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जमीन के नीचे है या जो वाटर है, वो जमीन में से ग्रहण करना या जमीन में से उसको अवशोषित करना और उसको प्लांट्स के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का काम ये जड़ें करती है ना। जड़ों के सिरों पर बालों जैसे महीन धागे होते हैं, इन्हें मूलरोम कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रूट हेयर बोलेंगे, है ना। जड़ के सिर के ऊपर ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे से बाल दिख रहे हैं, मूलरोम लिखा हुआ है, इसे रूट हेयर बोलते हैं। जड़ का सिरा कोमल होता है, इसी भाग में जड़ की वृद्धि होती है। जड़ का जो सबसे भाग, सामने वाला भाग होता है, उसे मूलाग्र बोला जाता है। मूलाग्र के ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए ये भाग जमीन के नीचे बढ़ता है, तो इसको जमीन के नीचे के कुछ चीज़ों से, या जैसे पत्थर वगैरह रहते हैं तो नीचे, इन चीज़ों से बचाने के लिए एक टोपी जैसे इस पर भाग रहता है, एक आवरण होता है, इसे मूल टोपी कहते हैं, टैप रूट बोलते हैं। ये टैप रूट जो है, ये मूलाग्र का जमीन के नीचे रक्षा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जड़, ये जो है जड़ के कुछ प्रकार है, जड़ के कुछ सभी भागों के नाम अब आप लोगों को इस चित्र के अंदर दिख रहे हैं। जैसे जड़ जो सबसे नीचे जा रही है, मेन जड़ है ना, उसको जड़ बोलेंगे। कुछ जड़ की उपजड़ रहती है, उसमें कुछ जड़ के जो छोटे छोटे से रोएं जैसे, जो छोटे महीन धागे होते हैं, उन्हें मूलरोम कहते हैं। और जड़ का जो सबसे सामने वाले भाग पर एक छोटा सा आवरण होता है, उसको मूल टोपी, इसको टैप रूट, रूट कैप कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये होती है जड़ें, जिसको मूसला जड़ें। ऐसी ही एक और टाइप की जड़ें हैं जो जमीन के नीचे ही बढ़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जड़ें ये सीधी बढ़ती है और उसमें उपजड़ें नहीं रहती, एक ही साथ तने से बहुत सारी जड़ें एक साथ निकलती है, तो ये जड़ों को तंतुमय जड़ें कहते हैं, फाइबरस रूट, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जड़ें दो प्रकार की है, एक मूसला जड़ें और एक तंतुमय जड़ें। अभी तंतुमय जड़ें कौन कौन से प्रकार, आपने घास बच्चों का भी उखाड़ कर देखा है जमीन के नीचे। जमीन के नीचे जब हम लोग घास उखाड़ते हैं तो घास के अंदर तुरंत एक साथ कई सारे ऐसी जड़ें लग कर आती है, वो रहती है तंतुमय जड़ें। इसका दूसरा उदाहरण यदि मैं बोलूँ तो प्याज देखा है आपने, प्याज एक तरह का तना है और उसके सामने वाले भाग के ऊपर जो कई सारी जड़ें रहती है, वो भी एक तरह की तंतुमय जड़ें हैं। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें, मतलब टैप रूट एंड फाइबरस रूट। अभी द्वीप
द्विबीजपत्री वनस्पतियाँ जो होती है, मतलब डाइकोटिलेडन प्लांट्स जो है उनकी जो जड़ें रहती है वो सामान्यतः टैप रूट होती है, मतलब मूसल जड़ें, जबकि मोनोकोटिलेडन या एक बीजपत्री जो वनस्पति है उनकी तंतु में जड़ें पाई जाती है। तो अगर इस बेस पर यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें तो तंतु में जड़ें या फाइबरस रूट किसकी किसकी रहेंगी, मटर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, मक्का, धनिया, इन सभी की जो आप लोगों ने जड़ें देखी होंगी वो तंतु में जड़ें हैं, ये सब तंतु में जड़ों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बच्चों कुछ ऐसी भी वनस्पतियां हैं जिनमें जमीन के नीचे तो जड़ें बढ़ती है। जमीन के नीचे की जड़ों का काम क्या है, मिट्टी को जकड़े रखना, पानी और लवण को जमीन के नीचे से अवशोषित करना, पौधे को आधार देना, ये इसके मुख्यतः मेन काम है जो जड़ें करती है। इसके अलावा भी बच्चों कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनमें जमीन के नीचे तो ये जड़ें बढ़ती ही है लेकिन तने पर भी जड़ें होती हैं। जैसे आप लोगों ने गन्ना, मक्का या ज्वार देखे होंगे, इसमें दो प्रकार की जड़ें होती है, एक तो जमीन के नीचे बढ़ने वाली और दूसरा तने के ऊपर से भी बढ़ने वाली। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने बरगद का भी पेड़ देखा होगा, बरगद की जो जड़ें हैं, बरगद के ऊपर से जटाएँ निकलती है, जमीन के नीचे बढ़ती है, ये भी एक तरह से जड़ में ही परिवर्तित हो जाती है, एक तरह से जड़ ही है जो तने पर से निकली हुई है। तो ऐसे कई सारी वनस्पतियाँ हैं जिनमें जड़ें जो है वो जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि तने पर भी रहती है। बच्चों ऐसी कई सारी वनस्पतियाँ आप लोग भी देख सकते हो अपने परिसर में, आपके आसपास मिलती होंगी। ठीक है, उनके नाम आप लोग सोचो और इस ग्रुप पर या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सेंड करो। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जड़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब जड़ों के बाद में बच्चों बात करेंगे हम लोग तने के बारे में। तने को इंग्लिश में स्टीम कहा जाता है। तना ये वो भाग है बीज का जो जमीन के ऊपर बढ़ाता है। जैसे जमीन के ऊपर जब हम लोगों ने तने के बारे में, बीज के बारे में जब हम लोगों ने देखा था तो बीज का एक भाग जो जमीन के नीचे बढ़ता है उसको मूलांकुर कहते हैं, वैसे उसका जो दूसरा भाग जो ऊपर बढ़ाता है वो क्या था, प्रांकुर, जिसको प्ल्यूमूल बोलेंगे। तो ये प्ल्यूमूल आगे बढ़कर स्टीम में कन्वर्ट होता है, मतलब यहीं से इस आगे जाकर ये स्टीम मतलब तना बढ़ता है। तो वनस्पति के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर होती है। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई बढ़ती जाती है। तने पर गांठें होती है, गांठ जिसको नोड्स कहा जाता है। इन्हीं नोड्स पर से आगे पत्तियां निकलती है। दो गांठ के बीच वाले भाग को इंटरनोड कहा जाता है, जिसको इंग्लिश हिंदी में पर्व बोलेंगे। ये पर्व वो भाग है जो दो गांठों के बीच वाला भाग है ना, पर्व, इंटरनोड। और जो नोड है, नोड से पत्तियां निकलती है। तने के शीर्ष भाग में मुकुल या बर्ड होता है ना। कोई टहनी लेकर हम लोग अगर तोड़कर देखें किसी वनस्पति के, तो हमको ये सभी भाग इसमें दिखाई देंगे। क्या क्या, जमीन के ऊपर जो सबसे पहले तना है, तने के अंदर एक तो हमको नोड दिखेंगे, मतलब वो गांठ रहेंगी जिस पर से नोड्स, जिस पर से पत्तियां आगे उगती है। दो गांठ के बीच वाला जो भाग रहता है उसको पर्व बोलेंगे। और सबसे सामने वाला भाग जिसको मुकुल बोलते हैं, यहीं से ये तना आगे ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक है, अब तने का काम क्या है बच्चों, जड़ों से जो जड़ जो पानी और लवण को अवशोषित करके ऊपर भेजता है तना, वो सभी चीज़ों को अपने अंदर से पत्तियों तक पहुंचाता है। क्योंकि पत्तियां जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन तैयार करती है, तो भोजन तैयार करने के लिए इनको ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये सभी चीज़ों को तना जमीन के नीचे जड़ों से प्राप्त करके पत्तियों तक या इसके बाकी भागों तक पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पर बच्चों आज हमने ये हमारे पहले पार्ट के अंदर लेसन नंबर 2 का जो पार्ट 1 ये वीडियो हम लोगों ने बनाया, इसमें हम लोगों ने जड़ों और तने के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। जड़ का मुख्य काम क्या है, जमीन को जकड़े रखना, पानी और खनिज लवण अवशोषित करना और पौधे को आधार देना। ठीक है, जड़ के भाग कौन कौन से हैं, तो जड़ दो प्रकार की होती है, एक तो मूसल जड़ें और एक तंतुमय जड़ें, है ना। मूसल जड़ें इसमें जड़ तो रहती है, साथ में उपजड़ें भी निकलती है। इन उपजड़ों के ऊपर मूलरोम, जिसको महीन जो धागे होते हैं उसको मूलरोम कहते हैं, और इसका जो सबसे सामने वाला भाग है उसको मूल टोपी या रूट कैप कहेंगे। ठीक है, वैसे फाइबरस रूट, अभी फाइबरस रूट या मूसला जड़ें ये किस पर होती है, मतलब टैप रूट किस पर होती है और फाइबरस रूट किस पर होती है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है कि जड़ें जनरली जो द्विबीजपत्री वनस्पति है या डाइकोटिलेडन प्लांट्स है उनके ऊपर मूसला जड़ें होती है, टैप रूट होती है। जो मोनोकोटिलेडन है उन पर तंतुमय जड़ें या फाइबरस रूट्स होती है। ठीक है, वैसे बच्चे तना जमीन के ऊपरी वाला भाग जो रामपुर था, प्ल्यूमूल जो जमीन के ऊपर बढ़ा, उसी से आगे स्टीम बना, स्टीम के ऊपर नोड्स होते हैं, नोड्स ये वो जगह है जहाँ से पत्तियाँ उग रही है, और दो नोड्स के बीच का जो भाग रहता है उसको इंटरनोड बोलेंगे। जो इंटरनोड है वो आप लोगों को किसी भी तने के ऊपर दिखाई देता है, और सबसे सामने वाला भाग जिसको मुकुल या पर्ड बोलेंगे, जहाँ से जो तना है वो आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से आज का ये पार्ट 1 यहीं पर